कारण अध्यापक को क्या परेशानी होती है ये हम अभी देखते हैं, जहां अध्यापक अपने सारे प्यारे बच्चों से सवाल पूछ रहे हैं और उसके जवाब बच्चे उनके हिसाब से दे रहे हैं। ठीक है, तो चलो हम जाएंगे अब कक्षा में। आपको देख के ऐसा लगा कि आज अभी सुबह नहीं शाम हो गई है, इतनी धीरे से आपने मुझे गुड मॉर्निंग कर दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक आज सोमवार का दिन है तो हो सकता पेन ले रहा था। वाह, किसने ली है? हाँ रहने दो। पहले हम कल की बात पूछता हूँ मैं। महेश खड़े हो, पहले उठो। आपने होमवर्क किया? नहीं सर। क्यों नहीं किया सर? कल लाइट गई थी। तो फिर मोमबत्ती जला लेते। मोमबत्ती तो होगी ना घर में? मोमबत्ती थी सर, मेरी माचिस नहीं थी। अब ये माचिस क्यों नहीं थी भैया? सर माचिस थी लेकिन वो पूजा के घर में थी। अरे बेटा पूजा का घर नहीं रहता, वो पूजा घर रहता है। हाँ वही पूजा का घर। तो पूजा घर से ले लेते ना फिर। सर नहाया नहीं था फिर। अरे बेटा क्यों नहीं नहीं थे? सर वो पानी नहीं था। ते पानी क्यों नहीं था? सर वो मोटर ही नहीं चल रही थी। बदे फिर मोटर क्यों नहीं चल रही थी? अरे सर कितनी बार बताऊं मैं आपको, लाइट नहीं थी ना। बेटा मुझे माफ कर देते, बैठ। अरे बाप रे कहाँ से आए हैं ये? चलो मेरा प्यारा बच्चा कहाँ है माधव? बेटा वाह वाह वाह, मेरा प्यारा बच्चा है। हाँ अरे मेरा बच्चा यानी कि सारे स्कूल का बच्चा है वो। कितने बच्चे हैं सर आपको? ये सारे मेरे बच्चे हैं, बस आप लोगों को छोड़ के इतने बड़े बच्चे मेरे नहीं हो सकते। बहुत चेतन हो आप। ठीक है माधव बेटा मुझे बताओ, अगर एक तरफ पैसा हो और एक तरफ अकल हो तो आप क्या लोगे बेटा? सर मैं तो पैसा ही लूंगा। अरे बेटा थोड़ा अकल से सोच, क्या लेगा? फिर से एक बार पूछ रहा हूँ, एक तरफ पैसा होगा और एक तरफ अकल, तो आप क्या लोगे? सर मैं तो पैसा ही लूंगा। अरे पूरब अगर मैं होता तो मैं अकल लेता। सर जिसके पास जो नहीं है वो वही लेगा ना। No. एक एक कोई छड़ी से मार दूंगा मैं। बैठ नीचे। ठीक है रहने दो। कहाँ गया मेरा दूसरा बच्चा कवि? उठो बेटा मुझे बताओ बेटा, कौन सी चिड़िया सबसे तेज, सबसे दूर, सबसे ऊंची उड़ती है? चिड़िया? हाँ हाथी। बेटा मैंने चिड़िया बोली है। चिड़िया? हाँ सर चिड़िया। हाँ हाथी। चुप ना लाए चिड़िया मुझे तो हाथी बोलता है, क्या करते तेरे पापा? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही हमारे गांव के गुंडे हैं। बच्चों लिखो। हाथी सबसे तेज उड़ता है, सबसे तेज उड़ता है हाथी। हाथी? हाँ बैठ हाथी बेटा। हाथी
चलो बेटा स्वाति जा बात सुनो सर। अरे तू नहीं जामुन जैसी ये स्वाति की हाँ ये गोलाई ले लेती है ये स्वाति। हाँ स्वाति बेटा आपको साइंस बहुत पसंद है ना, किसी एक साइंटिस्ट का नाम बताओ बेटा। सर लुकॉन थोड़ी देर लुकॉन बेटा वो पसीना नहीं बेटा आलिया भट्ट। वाह आलिया भट्ट के लिए आलिया भट्ट सर हाँ वो ना बचपन से ही तोतली है उसे आलिया भट्ट नहीं आर्यभट्ट कहना था। हाँ आलिया भट्ट वाह वाह बहुत होशियार है बेटी बहुत अच्छा बेटा नीचे बैठो तालियां बजाओ सर स्वाति के लिए। वाह वाह ठीक है कोई तो होशियार है मेरे क्लास में इसमें ठीक है तो अब कहाँ गया सागर। अरे महेश सर के बाजू में खड़ा है इतना बड़ा सागर अगर महेश के पास है तो उसे कागर लेके कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। ठीक है सागर बेटा तुझे मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहा हूँ। महत्वपूर्ण सवाल हाँ नहीं नहीं ये नहीं सवाल ये आगे आने वाला है मुझे लगा ये महत्वपूर्ण सागर मुझे बताओ 1869 में क्या हुआ था। 1869 हाँ यानी 69 हाँ हाँ पहले 89 फिर 69 हाँ उस समय क्या हुआ था महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। वाह 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 तालियां बजाओ बेटो क्योंकि बापू जी का जन्म हमारा जो हमारे राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी जी उनका जन्म हुआ था 1869 में। ठीक है बेटा तो मुझे बताओ 1872 में क्या हुआ था। 1872 में हाँ क्या हुआ था क्या हुआ था हाँ 1872 में गांधी जी 3 साल के हुए थे। इसे कहते हैं जैसी शक्ल वैसी अकल। तीन साल से बड़ा हो गया है बस। सुनो बच्चों जो अपनी बात दूसरों को समझाना पड़े ना तो वो गधा होता है। हाँ गधा होता है गधा। सुन क्या बेटा मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। बैठ बैठ हाथी बेटा बैठ तुम्हारा हाथी बहुत तेज उड़ता है। ठीक है कवि आपने तो मुझे बताया। ओके नाउ वन मोर वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर रूपाली स्टैंड अप रूपाली नेम वन एनिमल फाउंड इन डेजर्ट। कैमल सर। कैमल बी कैमल हो सकता है क्या बेटा। नहीं ना सर अ कैमल ही होगा ना। हाँ कैमल में तो सी आता है ना बात में। तो नाउ टेल मी अनदर एनिमल। वेरी इजी सर अनदर कैमल। वाह रूपाली बेटा आप तो स्कॉलरशिप के स्टूडेंट हो। तो यहाँ कितने कैमल हैं हाथ ऊपर कीजिए कैमल कौन कौन है यहाँ कैमल सब कैमल है। तो ये नहीं सर मैं तो हाथी हूँ। वाह हाथी भैया की जय हो। वाह ठीक है रहने दो अच्छी बात है। तो अच्छा बताओ एक मैं वाक्य बताता हूँ आपको कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। क्या है दिल्ली में अरे स्वप्ना अरे यार क्या नींद में हो क्या आप। मैंने एक वाक्य बताया बेटा वो क्या था अभी याद आजा। वाह इनका पुत्र दिल्ली में जाके बीमार हो गया। देखो बिन पैसे का ये दिल्ली चली गई और वो भी कुत्ते को लेके बैठ नीचे खुद को याद नहीं रहता और दूसरों को बातें सुनाते रहते हैं।
ठीक है स्वाति, अरे वो जामुन वाली स्वाति, ठीक है स्वाति, मैंने आपको एक लेसन याद करने को दिया था, वो याद किया? नहीं सर। क्यों? अभी भी सर। क्या लाइट चली गई थी? आप क्या एक दोनों भी एक घर में रह रहे हो क्या? तो फिर क्या हुआ, लाइट फिर आई ही नहीं? आई थी ना तो सर थोड़ी देर बाद। फिर चली गई फिर से। फिर आई। फिर चली गई। फिर तो मैंने सोचा बार बार लाइट आ रही है जा रही है आ रही है जा रही है, तो मैंने सोचा जब मैं पढ़ाई करने के लिए बैठू तो फिर से वो चली रह जाए, इसलिए मैंने पढ़ाई नहीं की। वाह 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 वाह, क्या तर्क लगाया है, ये केक को ऐसे खींच के मारूंगा सबकी बोलती बंद हो जाएगी, सिर मेरा पूरा फिर रहा है। बेटा महेश थोड़ा उठ बेटा, तुझे तो इतना आसान सवाल है मेरे दिमाग में, आपका शक्ल देख के मुझे ऐसा लगा कि ये आपसे ही पूछूं मैं। बेटा इतनी तरीके, ए के बाद क्या आता है? ए के बाद क्या आता है? ए ए हाँ, ए के बाद ना सर ए, क्या बोलती तू? देखो ना, ए क्या बोलती तू? पूरा यहाँ मैं कौन हूँ? यहाँ आपको लिंग तक पता नहीं है। ए क्या बोलता तू, बोलता बोलता तू सही तो होता। तो आपने तो पूछा ए के बाद क्या आता है, तो बी आता है। फिर क्यों? खुद मेरा बीए है, ए भी नहीं है मेरा। ठीक है ठीक है, बैठो बैठो, अब मेरा आखिरी सवाल है स्वाति, अरे वो जामुन वाली, हाँ मुझे एक अच्छी सी कोई कहानी बताओ बेटा, जिससे सब इस इन बच्चों को सीख मिलती हो। Tried it.